हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गल्फ आइडिया चैनल में। अगर आप देश दुनिया की खबरों से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जो कतर की पहली अपडेट आ रही है, वहाँ पे जो फेमस बिल्डिंग है, जो आर्किटेक्ट है, मतलब दोस्तों वर्ल्ड का सबसे फेमस वहाँ पे आर्किटेक्ट माना जाता है, जो कि आप तस्वीर पे फोटो पे देख सकते हैं। जो सबसे पहला है दोस्तों, नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर, ये दोस्तों पूरे वर्ल्ड का सबसे अभी तक सबसे बेस्ट आर्किटेक्ट माना जा रहा है। और मैं आपको इस फोटो में दिखाता हूँ अच्छे से। ये दोस्तों कतर का म्यूजियम है, जो कि आप फोटो पे देख सकते हैं। ये दोस्तों इसका जो काम हुआ है, ये जो एरिया फैला हुआ है 4,30,500 स्क्वायर फीट पर ये म्यूजियम बना हुआ है। ये दोस्तों दूसरा है म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट। आप फोटो पे देख सकते हैं दोस्तों, ये कतर का सबसे बेस्ट माना जा रहा है। मैं जो आपको दिखाता हूँ, ये दोस्तों 19 सेंचुरी का बना हुआ है। फिर कतर नेशनल लाइब्रेरी है, जो कि ये भी कतर का बेस्ट आर्किटेक्ट है। और इसमें बहुत सारी आपको किताबें मिलेगी, हर तरह की आपको किताब मिलेगी, नेचुरल लाइट मिलेगी। फिर है अगला है कतर नेशनल कॉन्वेंशन सेंटर है, जो कि दोस्तों ये वहाँ का कॉन्वेंशन सेंटर है। वहाँ पे इस चीज़ में इसमें दोस्तों आपको वहाँ पे ट्री होल्डिंग मिलेगी, मतलब बिल्डिंग स्ट्रक्चर किस तरह बिल्डिंग को बनाया जाता है, और वहाँ पे आपको पेड़ पौधे के बारे में नॉलेज वहाँ पे दिया जाता है। फिर कतर का जो अगला है वो सिदरा मेडिसिन। ये दोस्तों सिदरा मेडिसिन जो है, ये एक तरह का हॉस्पिटल है। इसमें दोस्तों ये जो बना हुआ है वो स्टील ग्लास और सेरेमिक टाइल का बना हुआ है। फिर अगला है अल थुमामा स्टेडियम, जो कि आप तस्वीर पे देख सकते हैं। ये भी वर्ल्ड का सबसे बेस्ट माना जाता है। इसमें 40,000 कैपेसिटी, 40,000 लोग एक बार में लोग देख सकते हैं, जो इस बार फीफा वर्ल्ड कप जो होस्ट किया गया था। फिर अगला है अल जनाब स्टेडियम, ये भी वहाँ पे कतर में ही है और सबसे बेस्ट माना जाता है कतर का। और कतर की जो अगली अपडेट आ रही है, वो कतर सेंट्रल बैंक से आ रही, जो कि 5 मार्च 2023 से वहाँ पे दोस्तों सभी बैंक में हॉलीडे है, मतलब छुट्टी का अनाउंसमेंट हुआ है 5 मार्च 2023 को। जो भी वहाँ पे कतर में जितने भी बैंक हैं, जो लोग भी वर्कर वहाँ काम करते हैं, सभी के लिए छुट्टी रहेगा और 6 मार्च 2023 से फिर बैंक ओपन हो जाएगी। फिर कतर की जो अगली अपडेट है, वहाँ पे दोस्तों जो कतर का जो मौसम विभाग है, उसने अनाउंसमेंट किया है कि अभी वहाँ पे मौसम ख़राब, मतलब मौसम कुछ चेंजिंग रहेगा, बारिश हो सकती है, ठंडरिंग भी हो सकती है। फिर कतर की जो अगली अपडेट है, जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसने एक पक्षी को, मतलब दोस्तों एक बर्ड को, जो कि आप तस्वीर पे देख सकते हैं फोटो पे, पर्पल आइलैंड पे पाया गया है और इसका नाम है पर्पल आइलैंड, और इसे फ्लेमिंगो ऑन घनम कहा जाता है। ये दोस्तों बहुत ही अजूबा मतलब पक्षी है, जो कि ये घायल हो चुका था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के तरफ से इसकी मदद की गई है, इसकी इलाज की गई है, और दोस्तों इसकी इलाज की जा रही है और इसे अच्छे से अच्छा किया जाएगा, जो कि एक तरह का ये चिड़िया है। इसको दोस्तों चोट लग गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इसके इलाज कर रही है। और कतर के बारे में इसी तरह रोज़ आप अपडेट लेना चाहते हैं तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।